हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। देखिए आज मैं आपके लिए कितना प्यारा थालपोस लाई हूँ। ये बनाने में भी बहुत आसान है और आप फटाफट इसको बना सकते हैं। देखिए इसका बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है। आप एक बार ट्राई करो, बहुत आसानी से बन जाएगा। और प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं, और जो पुराने हैं वो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नहीं तो लाइक कर लेते हैं और लाइक नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग जल्दी से मेरा वीडियो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये थालपोस कैसा लगा है। ये थालपोस में यूज कर सकते हैं आप, और इसको टेबल मैट में भी यूज कर सकते हैं, इसको माता रानी का आसन भी बना सकते हैं और इसको पूजा में भी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। और आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। ये देखिए मैंने इसको चार कलर में बनाया है, क्रीम, रेड, येलो और ग्रीन। तो ये बहुत ही प्यारा दिखता है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। तो ये मैंने दो प्लाई के ऊन से बनाया है और बहुत ही कम ऊन में ये बन जाता है। तो आप जल्दी से इसको ट्राई करें कि ये कैसे बनाना है, ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये रेड कलर से मैं चेन बनाऊँगी। चेन बना के, छह चेन बना के फिर मैं इसको सर्कल करूँगी, ठीक है। ये देखिए मैंने छह चेन बनाया, अब इसको मैं जॉइंट कर दूंगी तो ये मेरा सर्कल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये सर्कल होने के बाद फिर मैं इसमें तीन चेन लूंगी। ये देखिए तीन चेन मैंने बनाया, फिर इसी वाले सर्कल में मैं 20 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और ये एक चेन है वो मिला के मेरा हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये देखिए 20 डबल क्रोशिया करना है इसी वाले में, एक में ही 20 हमें डबल क्रोशिया पूरा इसमें बना के रेडी करना है, ओके फ्रेंड्स। तो मैं ये देखिए बना रही हूँ, आप एक बार काउंट कर लीजिएगा। देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरा टोटल 21 हो गया, 21 डबल क्रोशिया। अब इसको मैं यहाँ पे जो तीन चेन बनाया था उसको ऊपर वाले चेन में ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए मैं ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं तीन चेन लूंगी, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद फिर इसी में मैं एक और डबल क्रोशिया करूंगी। ये देखिए तो सब चेन में मैं दो दो डबल क्रोशिया करूंगी इस तरह से। ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये देखिए सभी चेन में मैं दो दो डबल क्रोशिया करूंगी, तो इसका 21 का डबल हो जाएगा 42, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा रो कंप्लीट करूंगी मैं। आप लोग भी बनाइए, ये थालपोस बहुत ही इजी है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये थालपोस कैसे बना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से एक एक चेन में दो दो हमें बनाना है, ठीक है। ये देखिए मेरा रेड से ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये मैंने 42 बनाया, यहाँ पे 21 बनाया, ठीक है। 21 के डबल 42 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं कहीं से भी ये मैं क्रीम कलर डाल रही हूँ, तो ये मैं क्या करूँगी, ये देखिए पास से देखिए मैं यहाँ से ये जो चेन है यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ क्रीम कलर को, ठीक है। ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्रोशिया चलाना आना चाहिए, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो ये वाला थालपोस। और आप इसको किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हो, जैसे कि आप इसको डोरमेट, टेबल मैट या आसन, आसन में इसको बहुत अच्छा पूजा पे आप कर सकते हो, पूजा पे रख सकते हो, तो ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये तीन चेन हो गया। तीन चेन होने के बाद फिर देखिए इसके बगल वाले चेन में भी मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी। ये देखिए इसके बगल वाले में भी एक डबल क्रोशिया करूंगी, फिर उसके बगल वाले भी चेन में मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी।
ठीक है, ये किया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेना है हमें और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक मतलब सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है और तीन डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेना है हमें, ठीक है। ये देखिए मैंने तीन ये बना लिया डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन लूँगी। आप दो भी चेन ले सकते हैं और एक भी, अगर आपको ज़्यादा झोल बनने जैसा लगता है तो आप दो चेन ले सकते हैं और नहीं तो फिर आप एक भी चेन ले सकते हैं। तो ये देखिए मैम, यहाँ पे भी इस तरह से तीन डबल क्रोशिया करूँगी, ठीक है। तीन डबल क्रोशिया और एक चेन, तीन डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से। ये देखिए ये पूरा रो ऐसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए मेरा ये पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक चेन लिया और ये वाला ऊपर वाले चेन में मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से। देखिए ज्वाइंट हो गया। अब ये जो तीन यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया किया है, तो ये देखिए पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे तीन चेन लूँगी। तीन चेन लेने के बाद ये तीन डबल क्रोशिया है उसमें मैं बीच वाले में दो डबल क्रोशिया करूँगी, एक और ये दो, बीच वाले में दो डबल क्रोशिया करूँगी, फिर उसके बाद बगल वाले में एक डबल क्रोशिया करूँगी। तो नीचे मैंने तीन डबल क्रोशिया बनाया था, ऊपर मेरा चार हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी, फिर उसके बाद फिर इस वाले में, ये देखिए जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे एक चेन के बाद, वहाँ पे फिर मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी चेन में, फिर ये बीच वाले में मैं दो डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए ये दो डबल क्रोशिया हो गया और ये बगल वाले में एक करूँगी। तो मतलब नीचे मैंने दो तीन तीन किया था डबल क्रोशिया और ऊपर मैं चार चार करूँगी और एक एक चेन लेके बीच में एक चेन लेना है। अगर आप दो लेना चाहते हैं तो दो भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जितना एक पहले वाले में लेंगे उतना ही सारे रो में आपको लेना है डबल चेन, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मेरा इस रो में चार हो गया। तो ऐसे ही ऊपर आप बढ़ाते जाओगे, एक एक हमें डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। तो आप जितना आपकी मर्जी है, जैसे कि आप 10 रो या 11 12 जितना आपकी मर्जी है उतना आप कर सकते हैं। फिर उसके आगे का डिज़ाइन फिर मैं बताऊंगी। तो ये मैं देखिए ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि अगले राउंड में क्या करना हमें, ठीक है। देखिए ये हमारा एक एक बढ़ते गए, यहाँ तीन था यहाँ मैंने चार किया, अगले रो में मैं पांच करूँगी। ये देखिए मेरा ये क्रीम कलर से सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं देखिए एक चेन लूँगी। चेन लेने के बाद ये लास्ट वाले तीन जो चेन बनाया था उसके लास्ट वाले में मैं ज्वाइन कर दूँगी, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं तीन चेन लूँगी, एक दो और ये तीन। तीन चेन लेने के बाद मैं इसमें ये एक मैं डबल क्रोशिया हो गया, इसमें मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी, मतलब इसमें मैं पांच डबल क्रोशिया करूँगी। नीचे मैंने चार किया था, इसमें मैं पांच करूँगी। ये देखिए इसमें बीच वाले में मैं दो डबल क्रोशिया करूँगी, तो ये चार हो गया मेरा और एक और ये लास्ट वाले में करूँगी, तो ये पाँच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चेन लूँगी, चेन लेने के बाद फिर मैं इसमें एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इसके बगल वाले में दो डबल क्रोशिया करूंगी इस तरह से, फिर इसके बगल वाले में एक करूंगी, छह
चार हो गया और ये एक पांच हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह से ये एक एक बढ़ते जाएगा। तो मैं ये डिजाइन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं टोटल मतलब कि यहाँ पे पांच है ना, ये मेरा पांच डबल क्रोशिया है, तो मैं 10 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके आगे का डिजाइन फिर मैं क्या बनाती हूँ, ठीक है फ्रेंड। तब तक आप खुद भी आप बनाओ और मजे लो मेरे वीडियो का, ठीक है। ये देखिए ये मेरा पांच हो गया, अगले में छह होगा, फिर सात होगा, आठ होगा, नौ होगा, दस होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मैंने ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ रो बनाया है और ये मैंने 10 बनाया है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगी ये मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले ये मैं चेन लूँगी, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद सभी मतलब सभी चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया करूँगी। एक एक सभी में डबल क्रोशिया करने के बाद इसमें मैं दो नहीं लूँगी, मतलब कि जब बढ़ाने टाइम मैंने दो दो लिया था ना कहीं कहीं पे, तो वो दो नहीं लेके मैं ये पूरे चेन में एक एक ही करते जाऊँगी डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, क्रीम कलर से ही मैं सब में एक एक करते जाऊँगी। और जहाँ पे ये जो चेन है ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जहाँ पे ये जो चेन है वहाँ पे मैं उसमें दो डबल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए जहाँ पे मैंने एक चेन डाला है, ये एक चेन डाला है, यहाँ पे मैं दो डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए एक और ये दो, दो हो गया यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर से फिर मैं एक एक करते जाऊँगी, सभी में मैं एक एक करते जाऊँगी इस तरह से। तो ये राउंड मैं ऐसे ही कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक। ये देखिए ये मेरा रो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लगा रही हूँ। ग्रीन कलर आप कहीं से भी लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से जॉइंट कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे पहले मैं तीन चेन बना रही हूँ, एक दो ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद दो चेन और मैं बनाऊंगी, एक दो, दो चेन बनाने के बाद इसी में फिर से मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूंगी इस तरह से। ये देखिए एक बार और डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं एक दो, ये दो छोड़ दूंगी और तीसरे वाले में फिर मैं डबल क्रोशिया करूंगी। फिर यहाँ पे मैं दो चेन लूँगी और इसमें इसी में फिर से डबल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। तीन हमें डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे चेन नहीं लेना है, हमें फिर से एक दो तीन और इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से फिर यहाँ पे दो चेन लूँगी, दो चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए इस तरह से ये ऐसे ही पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। तीन देखिए मैंने छोड़ा और फिर एक डबल क्रोशिया किया, यहाँ पे दो चेन बनाया, फिर इसी में डबल क्रोशिया किया। देखिए इस तरह से, तो ये रो मेरा पूरा ऐसे ही कंप्लीट होगा। देखिए आप इस तरह से ये आएगा बन के, ठीक है। ये देखिए ये मेरा ग्रीन से कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको जॉइंट कर रही हूँ। ये ग्रीन जॉइंट करके मैं ये ग्रीन कट कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए ये ग्रीन मैंने कट कर दिया। ये देखिए पूरा ये ग्रीन का राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं रेड लगा रही हूँ इसमें, रेड मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और रेड से कैसे बनाना है ये मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से
मैं रेड को ज्वाइन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये तीन चेन बना लूँगी जो कि एक डबल क्रोशिया हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक दो तीन और ये चार और एक मैंने जो चेन बनाया वो है तो इसको मैं छोड़ दूंगी। ये पांच डबल क्रोशिया मेरा हो गया और ये वाला जो लास्ट का चेन है इसमें से ऐसे धागे को ऐसे खींच अंदर जाते हुए सुई को ऐसे धागे को खींचूंगी और ये ऐसे पॉपकॉर्न बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे तीन चेन लूँगी, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद फिर ये बगल वाले में फिर से मैं पांच डबल क्रोशिया करूँगी, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी और यहाँ से ये वाला लास्ट वाला जो चेन है इसमें से ऐसे सुए को अंदर डाल के ऐसे खींच लूंगी, ठीक है। तो ये पॉपकॉर्न बन जाता है। अब फिर से मैं यहाँ पे तीन चेन लूंगी, तीन चेन लेने के बाद फिर बगल वाले में पांच डबल क्रोशिया करूंगी, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फिर से मैंने डबल क्रोशिया किया। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से जो लास्ट वाला चेन है यहाँ से सुए को डालूंगी, इसको धागे को ऐसे फंसाऊंगी, ऐसे निकालूंगी और फिर यहाँ पे तीन चेन बनाऊंगी। तो इस तरह से ये मैं पूरा राउंड ऐसे ही बनाऊंगी, ठीक है। तो पूरा राउंड ऐसे ही बनेगा मेरा, मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा रेड वाला कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट में मैं तीन चेन बना के, एक दो तीन, तीन चेन बना के और ये मैं इसमें ज्वाइंट कर दूंगी। ये जो चेन बनाया था ना स्टार्टिंग में उसमें मैं ऐसे ज्वाइंट कर दूंगी। फिर इसको मैं कट कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं क्रीम कलर वाला ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पे क्रीम कलर का ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं पहले यहाँ पे चेन बना लूंगी, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद इस वाले में मैं तीन डबल क्रोशिया करूंगी। ये धागे को थोड़ा सा अटैच करते रही हूँ। यहाँ पे मैं एक जो चेन बनाया वो और दो और डबल क्रोशिया कर रही हूँ। ये देखिए तीन हो गया। फिर एक मैं इसमें लूंगी डबल क्रोशिया, यहाँ से लूंगी। फिर इसके बाद फिर ये चेन जो बनाया है उसमें तीन डबल क्रोशिया करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया कर रही हूँ और फिर उसके बाद ये वाला जो है रेड वाला जिसमें मैंने ये पॉपकॉर्न बनाया है उसमें ये किया एक बार, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह से बन रहा है। फिर से मैं दिखा देती हूँ एक बार और। ये देखिए ये तीन मैं बनाऊंगी, फिर उसके बाद एक बार इसमें रेड वाले में। तो ये इस तरह से ये पूरा बन के कंप्लीट होगा। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है।
ये देखिए मैंने ये क्रीम कलर से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको इसमें ज्वाइंट कर देती हूँ। ठीक है, एक और यहाँ पे रह गया, ये देखिए इसको रेड वाले में एक डाल के, और फिर इसको ये जो चेन बनाया था ना स्टार्टिंग में, वो लास्ट वाले चेन में इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट करके इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब जैसे यहाँ नीचे मैंने ग्रीन कलर डाला है ना, वैसे ही ऊपर भी ग्रीन कलर डालूंगी मैं। देखिए जैसे यहाँ ग्रीन कलर डाला है वैसे ही ऊपर भी ग्रीन कलर पड़ेगा। देखिए यहाँ ग्रीन कलर को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, और सेम जैसा मैंने ये बनाया है वैसा ही ऊपर भी बनेगा। ये देखिए तीन चेन लेके फिर दो और चेन लूंगी, फिर उसके बाद मैं इसी में इसी में एक डबल क्रोशिया कर दूंगी। ठीक है, जैसे नीचे किया था, अब उसके बाद फिर ये एक दो तीन, नीचे भी मैंने तीन छोड़ा था एक दो तीन, वैसे ऊपर भी एक दो तीन तीन छोड़ के मैं इसमें डबल क्रोशिया करूंगी इस तरह से। फिर दो चेन लूंगी और फिर उसके बाद इसी में डबल क्रोशिया करूंगी। सेम वैसे जैसे मैंने नीचे किया था ना वैसे ही ऊपर भी करूंगी। देखिए फिर तीन छोड़ के फिर इसमें डबल क्रोशिया करूंगी। तो ये सेम यही डिजाइन में एक बार येलो से करूंगी और फिर उसके बाद पिंक से करूंगी। तो फिर मैं करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने ये तीन रो कर दिया है इस तरह से। देखिए ये मैंने रेड, बीच में येलो और फिर रेड मैंने डाला है। ये देखिए ये मेरा पूरा राउंड हो गया है। अब मैं इसके आगे का डिजाइन आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना। इसमें सबसे पहले मैं चेन बनाऊंगी। ये देखिए तीन चेन बनाया, फिर उसके बाद एक दो दो और चेन बनाऊंगी। उसके बाद इसी वाले चेन में मैं एक और डबल क्रोशिया करूंगी इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पांच चेन लूंगी, एक दो तीन चार, और ये पांच। पांच चेन लेने के बाद ये मैं यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छोड़ के और ये इसमें मैं एक डबल क्रोशिया करूंगी इस तरह से। ठीक है, फिर इसी में दो चेन लेके, दो चेन लेने के बाद इसी में एक और डबल क्रोशिया करूंगी। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे पांच चेन लूंगी मैं, पांच चेन लेने के बाद फिर मैं पांच छोड़ दूंगी, एक दो तीन चार पांच, पांच छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया करूंगी। ठीक है, तो ये रो ऐसे ही कंप्लीट होगा पूरा। दो चेन बनाया, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया किया। देखिए फिर मैं पांच चेन लूंगी, एक दो तीन चार पांच, पांच करने के बाद फिर ये पांच छोड़ने के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप ये पूरा रो कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके आगे का डिजाइन में क्या हमें बनाना है। ठीक है, ये देखिए ये मेरा रो कंप्लीट हो गया कुछ इस तरह से। ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए इसमें मैं ज्वाइंट कर रही हूँ।
ये देखिए मैं जॉइंट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करूँगी मैं, इसी में एक ऐसे चेन बना के यहाँ पे एक चेन लूँगी मैं। तीन चेन लेने के बाद, सॉरी एक चेन नहीं, तीन चेन लेने के बाद इसी में मैं 10 टाइम डबल क्रोशिया करूँगी। तो दो हो गया, ये तीन और ये रहा चार, चार ये पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस। ठीक है, 10 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी, सॉरी यहाँ पे भी चेन नहीं एक लेके करना है तो थोड़ा लूज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक चेन मैं लूँगी यहाँ पे, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद एक चेन लेके यहाँ पे, एक चेन लेने के बाद फिर इसमें मैं, इसमें फिर मैं 10 डबल क्रोशिया करूँगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये दस। दस हो गया। एक बार और मैं दिखाऊंगी आपको ताकि समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे एक चेन लूँगी, चेन लेने के बाद ये बगल वाले में तो मैंने बनाया था उसमें सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर यहाँ पे एक चेन लेके फिर मैं इसके बगल वाले में मैं फिर से 10 करूँगी डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वाला डिजाइन मेरा कंप्लीट होगा ये रो का। फिर अगले रो में क्या दिखाना है, सॉरी क्या बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरा 5 हो गया, 6, 7, सॉरी 8, 9, ये 10। ठीक है, तो 10 ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये बगल वाले में इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेके फिर बगल वाले में 10 करना। ठीक है, तो ये इस तरह से डिजाइन ये दिखेगा आपका। ठीक है, और ये चेन अगर 5 आपको ज़्यादा लगता है तो आप 3 भी बना सकते हैं। देखिए मैंने 3 भी बनाया है, ये 5 अगर ज़्यादा लगे, जो हमने यहाँ पे चेन बनाया था ना इसके पहले रो में, तो 5 अगर ज़्यादा लूज लगे तो आप 3 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना हमें बनाना चाहिए, 5 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं ये रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ये रो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने जॉइंट भी कर दिया। ये देखिए पूरा इस तरह से ये बन के आया है, ये बहुत अच्छा दिखता है फ्लावर जैसा। अब मैं इसके आगे क्या करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे मैं, ये देखिए ये मैंने 10-10 जो चेन लिया था, यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन लूँगी, सॉरी 10-10 चेन नहीं, 10-10 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 चेन लूँगी। 4 चेन लेने के बाद ये बगल वाले में, ये बगल वाला जो चेन है उसमें मैं डबल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए फिर मैं एक चेन लूँगी, एक चेन लेना है और एक डबल क्रोशिया करना है। सारे चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए इस तरह से एक चेन लूँगी और एक डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। फिर एक चेन लूँगी, फिर एक डबल क्रोशिया करूँगी। ऐसे ही मैं पूरा रो कंप्लीट करूँगी। देखिए एक चेन लूँगी,
एक चेन लेके फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। जब आप बनाओगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा और आसानी से बन भी जाएगा इस तरह से। फिर एक मैं चेन लूँगी, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लूँगी, फिर एक डबल क्रोशिया। यहाँ तक मेरा हो गया। अब इसके बाद ये नीचे जो मैंने सिंगल क्रोशिया किया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया किया है, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे सिंगल क्रोशिया ही कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला दूसरे वाले में फिर से मैं ऐसे ही डबल क्रोशिया करूँगी। एक चेन लेना है, एक चेन लेना है और एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेना है, एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये मेरा पूरा रो इसी तरह से कंप्लीट होगा। मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर उसके आगे हमें क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैं ये वाला कंप्लीट करके, सॉरी थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, ये वाला ऐसे, ये देखिए इस तरह से, सभी में हमें एक एक चेन, एक एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। एक बार और मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जहाँ पे मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पे एक चेन लेके और मैं ये सिंगल क्रोशिया ही करूँगी। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया ही यहाँ पे करना है, फिर एक चेन लेके, मैंने यहाँ पे चेन नहीं लिया था तो यहाँ पे चेन लेके ही मैं कर रही हूँ, फिर यहाँ से फिर डबल क्रोशिया करेंगे। तो आप ये रो ऐसे ही कंप्लीट करें, देखिए इस तरह से ये बन के आएगा, ठीक है। मैं ये रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा रो कंप्लीट हो गया है इस तरह से। देखिए मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे रेड लगाऊंगी, रेड कलर से अब मैं करूँगी। तो वो मैं कैसे करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं रेड कलर यहाँ से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए ये ऊपर वाला जो डबल क्रोशिया, इसमें नहीं, मैं नीचे वाले में डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। ये धागा पीछे रहेगा और ये ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ऐसे लूँगी, यहाँ से ऐसे इस तरह से। एक मिनट फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने फिर से नॉट लगा लिया है और उसके बाद मैं यहाँ से ये नीचे से सुए को ऐसे डालूंगी और इस तरह से ये धागे को फंसा के और ये फिर सुए से ऐसे निकालूंगी, ठीक है। फिर मैं रिपीट करूंगी यहाँ पे दूसरे वाले डबल क्रोशिया में। ये देखिए ऊपर से हमें लेना है, चेन हमें नहीं लेना है, हमें ऊपर से लेना है। देखिए इस तरह से ऐसे सुए को डालूंगी और इस तरह से इसको चेन बनाऊंगी ऐसे इस तरह से। देखिए ये डिजाइन बहुत ही प्यारा बन के आता है, देखने में भी आपको लग रहा होगा कि कितना प्यारा दिख रहा है। ये देखिए और बहुत ही आसान भी है, ये सिर्फ सुए को ऐसे नीचे से डालना है और ऐसे ये धागे को लेते हुए इसको फिर निकाल देना है धागे को। देखिए इस तरह से, देखिए ये मैं यहाँ पे ये डबल क्रोशिया में ऐसे जाऊंगी
और ऐसे में डालते हुए अब ऐसे निकालते हुए ये देखे तो ये ऐसे ये चेन बनते जाएगा। और ये ऊपर वाला डबल क्रोशिया हमें नहीं करना है, नीचे वाले डबल क्रोशिया हमें करते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ये बनते जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसमें बना दिया, उसके बाद जहाँ पे मैंने ये सिंगल क्रोशिया लिया था वहाँ पे भी मैं ऐसे बना दूंगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे भी बन गया। फिर सभी जितना हमारा डबल क्रोशिया है उसमें सब में हमें बनाना है इसी तरह से। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से सारे ये डबल क्रोशिया में हमें बनाना है। ये देखिए ये बहुत ही आसान है और ये ऐसा दिखेगा। देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं पूरा रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये बहुत ही प्यारा दिखता है, आप जब बनाओगे तो देखने वाले की आंख खुली रह जाएगी, पता है आपको, उनके इतना पसंद आएगा कि देखते ही रह जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही प्यारा ये दिखता है। थाल पोस और टेबल मैट पे भी आप रख यूज कर सकते हैं तो वो बहुत ही प्यारा दिखेगा आपका। टेबल मैट अगर यूज कर सकते हैं, माता रानी का आसन बना सकते हैं आप, तो ये बहुत ही प्यारा दिखता है। पूजा वूजा के लिए भी यूज कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है और कलर भी बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो मैं ये बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरा ये पूरा रो कंप्लीट हो गया है, रेड से मैंने नीचे कर दिया है। अब मैं ऊपर वाले रो में करूँगी। तो आपको लगे तो आप धागा कट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं बिना धागा कट किए ही ऊपर का ये एक चेन ले रही हूँ, फिर उसके बाद ये वाला जो है इसमें मैं देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ऊपर चली जाऊंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं तीन चेन लूंगी, तीन चेन लेने के बाद ये नीचे का जो चेन है उसमें ऐसे अंदर सुए को डाल के और इसको फिर इस तरह से ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर इसमें मैं जाऊंगी इस तरह से, ठीक है। फिर ये मैं तीन चेन लूंगी, ये तीन चेन लेके और ये इस तरह से इस चेन में जाके फिर इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये ऊपर का रो ऐसे ही मैं बनाऊंगी। देखिए ये इस तरह से फिर मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया, फिर तीन चेन लिया। तीन चेन लेने के बाद ये लास्ट वाला जो चेन है उससे ऐसे निकालते हुए इसको फिर ऐसे बांध देना, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बगल वाले में फिर जाऊंगी और फिर ऐसे, तो ये देखो ये ऐसे बनते जाएगा, ये बहुत ही अच्छा दिखता है। और अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो पूरे रो में आप सिर्फ सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे दो दो सिंगल क्रोशिया आप यहाँ पे ऐसे पूरे रो में कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह से, देखिए ऐसे भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपकी चॉइस है, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो ऐसा बना सकते हैं और अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो आप ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें ये वाला डिजाइन बना रही हूँ। बाल आ जाता है कहाँ से, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए मैं इसमें सिंगल ऐसे क्रोशिया करके और फिर ये चेन बनाऊंगी, एक दो और ये तीन। बनाने के बाद फिर ये देखिए ये वाला चेन में ऐसे जाके फिर इस तरह से ये, तो ये मैं पूरा बना के फिर दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, ये मेरा पूरा रो कंप्लीट हो गया, ये डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है और आप ज़रूर इसको ट्राई करें बनाने के लिए। ये देखिए, मैंने हर जगह ये बना दिया है पूरे में, ये देखिए इस तरह से, और आप एक बार ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा दिखता है। और आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरा थाल पोस कैसा लगा, और आप भी ट्राई करो। ओके फ्रेंड्स, बाय।